Oh, Shweta. Among what the Bible should we obey? Command should we obey? Zaya, no. Oh, how to number are you? Command should we, you mean? What you mean? I saw. With a priest, a leader of Goji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hafiz Ibrahim sir, kya meri awaaz aapko aa rahi hai? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ کی آواز اچھا آپ نا تھوڑا سا آپ کا چہرہ تھوڑا آ رہا ہے آپ تھوڑا سا یا تو کیمرے کو پیچھے کریں تھوڑا سا آپ کا چہرہ نا بس تھوڑا سا چہرہ آ رہا ہے تھوڑا سا اب صحیح ہے ماشاء اللہ کافی بہتر ہے थोड़ा सा और ऐसे ना आगे को करें ऐसे माशाल्लाह थोड़ा और जैसे बस ठीक है और थोड़ा सा ऊंचा कर लें थोड़ा सा नहीं अब बस ठीक है जी क्या हुआ ये जी तो शेख आगाज करते हैं मैं आप ठीक है मैं अभी शुरू करता हूँ तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह अपना अपनी तकरीर जो है वो शुरू करनी होगी इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता जअलुल हसना इज़ा शिता सहला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम प्यारे भाइयों और बहनों फेसबुक और यूट्यूब व्यूवर्स हम आप सब का जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा सऊदीया की तरफ से इस
जूम ऑनलाइन सेकंड कॉन्फ्रेंस में दिलो जान से इस्तकबाल करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर वर्ल्ड वाइज व्यूअर्स, वी वेलकम टू ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ज्वाइन दिस सेकंड जूम कॉन्फ्रेंस ऑफ जद्दा दावा सेंटर हय्यत सलामा। आज हमारा पहला सेशन शुरू होने जा रहा है। आज इंशाल्लाह हमारे दो लेक्चर होंगे, पहला लेक्चर जो अभी शुरू होगा और दूसरा लेक्चर जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा दूसरा लेक्चर शुरू होगा। तो आज के हमारे पहले मुकर्रर शेख हाफिज मोहम्मद इब्राहिम उमरी मदनी हाफिजुल्ला है। आपका तअल्लुक तमिलनाडु इंडिया से है, आपने माशाल्लाह हमें वहां से ज्वाइन किया और हमें खिदमत का मौका दिया। आपने हिफ्ज़े कुरान का आगाज जामिया मोहम्मदिया रायपुर करनोल आंध्र प्रदेश से किया। 1989 में आपने जामिया रहमानिया कांदियोल मुंबई से कुरान हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। आपने 1992 से 1997 तक जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद से तालीम हासिल की और बैचलर की डिग्री हासिल की। 1998 से तकरीबन सवा साल जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर में बहसियत मदरस काम किया। 1999 से लेकर आज तक जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद में बहसियत उस्ताद काम कर रहे हैं। 2009 से उमराबाद की मस्जिद में खतीब हैं माशाल्लाह। आप तलबा की अंजमन तहजीब उल अखलाक के सरगर्म रुकन हैं। महनामा राह इत्तेदाल में मुश्किल इनके मजामीन की अशाहत होती है। आप माशाल्लाह बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं जैसे इंतहा पसंदी और इसका तदारक, मिंबर की सदा, खुतबात जुमा का मजमुआ, ये चार जिल्दें शाया हो चुकी हैं और पांचवी जिल्द इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है। इजार सानी एक संगीन जुर्म है वगैरह आपकी बहुत सी किताबें हैं। ज्यादा लंबा तआरुफ नहीं कराते इसलिए क्योंकि टाइम जो है ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुका है। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने दरस का आगाज फरमाए। शेख का मौजू है नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल। शेख का मौजू है नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल। मैं फजीलत शेख हाफिज मोहम्मद इब्राहिम उमरी मदनी हाफिजुल्ला से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी स्पीच का आगाज फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आवाज आ रही है? जी आ रही है। इन الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. محترم سامعین, میں سب سے پہلے دعویٰ سنٹر جدہ کا اور خصوصاً فضیلت الشیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں شریک ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا. اس وقت میرا موضوع ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. محترم سامعین, ہر مومن صبح سے لے کر شام تک بہت سی نیکیاں کرتا ہے, مگر نیکیوں کی حفاظت کی فکر بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. انسان کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو یہ ضروری نہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نیکی کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں, جن کے اعمال دنیاوی زندگی میں ضائع اور برباد ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہیں, اور ان کے اعمال جب ترازو میں تولے جائیں گے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ نقل فرمایا. دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی. ان میں سے ایک کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوئی تو دوسرے کی رد کر دی گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو یہ ضروری نہیں کہ مومن کے سارے ہی اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کیے جائیں, بعض اعمال رد بھی ہو سکتے ہیں. انسان کے مومن کے نیک اعمال رد ہونے کے کچھ وجوہات ہیں, کچھ اسباب ہیں, جن میں سے سب سے اہم وجہ ایسے گناہ جو انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے ہیں. آج کے درس میں ایسے ہی بعض گناہوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا. سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ ہے شرک. شرک ایک ایسا عمل ہے جو مومن کی تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت یعنی توحید ہے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے. یہ بات کسی معمولی انسان یا معمولی مومن کے بارے میں نہیں کہی گئی, انبیاء کرام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتی. سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے, اگر آپ شرک کرتے شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. بڑا سخی تھا, ہر کار خیر میں پیش پیش رہا کرتا تھا. مسکینوں, بیواؤں, یتیموں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا.
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में दरियाफ्त किया, क्या उसकी ये नेकियां उसे कल क़यामत के दिन काम आएंगी? तो आपने फरमाया कि ला यन्फ़ु इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बि ग़फिर ली ख़तीअती यौमद्दीन, नहीं उसकी ये नेकियां उसके कुछ काम नहीं आएंगी क्योंकि उसने कभी भी तौहीद का इकरार नहीं किया। उसने कभी अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार क़यामत के दिन माफ़ फरमा। गैरुल्लाह की इबादत करना और उसके लिए सजदा करना ही शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी भी जिंदा या मुर्दा शख्स को मुसीबत और परेशानी में पुकारना या उससे दुआ करना भी शिर्क है। इसी तरह गैरुल्लाह के दरबार में गैरुल्लाह के बारे में यह अकीदा रखना कि वह बीमारी और मुसीबत दूर कर सकते हैं, औलाद अता कर सकते हैं, ये भी शिर्क है। इस तरह का शिर्क आज मुसलमानों में कसरत से पाया जाता है। इसीलिए सूरह यूसुफ में फरमाया गया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, के बहुत सारे लोग जो मोमिन होने का दावा करते हैं उनमें से अक्सर मुशरिक हैं। कितने ही मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज रोजे के पाबंद हैं, रासी तकलीफ पहुंच जाए और तकलीफ दूर ना हो तो फौरन मज़ारों का या नाम निहाद बलियों का रुख करते हैं, और ये सारे वो शिरकिया आमाल हैं जिनकी वजह से इंसान के आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा अमल जिसकी वजह से इंसान की नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाती हैं वो है जादूगरों के पास या काहिनों के पास जाना। माशरे में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो गैब दानी का पोशीदा उमूर को जानने का दावा करते हैं, जिन्हें नुजूमी काहिन और जादूगर कहा जाता है। इन काहिनों के पास जाकर इलाज करना और उनसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करना और मुस्तकबिल के बारे में उनसे दरियाफ्त करना वगैरह ऐसे आमाल हैं जो नेकियों को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन अता अर्राफन फसअलहु अन शय फसद्दकहु बिमा यकूल लम युक्बल लहु सलातु अरबईन यौमा, सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया जो किसी काहिन के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में सवाल करे, मुस्तकबिल के किसी चीज के बारे में सवाल करे और जो वो चीज बताए उसकी तस्दीक भी करे, लम युक्बल लहु सलातु अरबईन यौम, तो 40 दिन की उसकी नमाज कबूल नहीं होती। एक और रिवायत में, अबू दाऊद की एक और रिवायत में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फकत कफरा बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा शरीयत का इनकार कर दिया। तो जो शख्स जादूगरों के पास जाता है या काहिनों के पास जाकर उससे गैबी उमूर के बारे में मालूमात हासिल करता है तो उससे उसके आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाते हैं और उसकी 40 दिन की नमाज अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होती। तीसरा अमल बिदअत है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें किसी किस्म की कमी और ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर कोई शख्स अपनी जानिब से सवाब की नीयत से कोई नया तरीका ईजाद कर ले तो ये बिदअत कहलाता है, जिससे उसके आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाते हैं। सही बुखारी की मशहूर हदीस है कि तीन सहाबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का हाल दरियाफ्त किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तसर अल्फाज में उन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का हाल बयान फरमाया, सुनकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों को मुख्तसर समझ गए, मामूली समझ गए, लेकिन फिर आप में कहने लगे कि अल्लाह के नबी के अगले और पिछले गुनाह तो माफ थे, हमको नेक बनने के लिए, इबादत गुजार बनने के लिए बहुत ज्यादा आमाल करने पड़ेंगे। एक ने कहा कि मैं रात भर इबादतें करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैं हर दिन रोजा रखूंगा, कभी नागा नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, औरतों से अलग थलग रहूंगा। ये बातें उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने की
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन तीन सहाबा का हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, क्या तुमने ऐसी बातें कही? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ऐसी बातें कही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा वल्लाहि लअख्शाकुम लिल्लाह, के सुन लो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और अपने दिल में अल्लाह ताला का तकवा रखने वाला हूँ। इसके बावजूद वलाकिन्नी असुम व उफ्तिर व उसल्ली व अरकुद व अतज़व्वजुन निसा फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इसके बावजूद मेरा हाल ये है कि मैं कभी रोजा रखता हूँ तो कभी छोड़ देता हूँ, और मैं रात का कुछ हिस्सा नमाज पढ़ता हूँ तो कुछ हिस्सा आराम कर लेता हूँ, और मैंने औरतों से शादियां। जो शख्स मेरे इस तरीके से रूगर्दानी करेगा, फलैसा मिन्नी, उसका शुमार मुझ में से नहीं, गोया कि वो मुसलमान नहीं। तो गर्ज, आज मुसलमानों ने जिंदगी के हर शोबे में नए नए तरीके और नई नई बिदतें ईजाद कर ली, पैदाइश से लेकर वफात तक, बल्कि वफात के बाद भी बिदअतों का एक लामुतना ही सिलसिला है। हिंदुओं के पास जो रसूमात पाई जाती हैं, वो सारी रसूमात आज मुसलमानों में मौजूद है, मुसलमानों में पाई जाती हैं। ये रसूमात और बिदात भी नेकियों को जाये और बर्बाद करने वाली है। सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे, उस वक्त कुछ लोग आएंगे, आप उन्हीं हौज़े कौसर से पानी पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते उनको पीछे से घसीट कर दूर कर देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, उन्हें छोड़ दो, ये मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या बिदातें ईजाद की। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, दूरी हो उन लोगों के लिए जो मेरे बाद बदल गए। तो गर्स, ये बिदात भी इंसान की नेकियों को जाय और बर्बाद कर देती हैं। चौथा अमल जिसकी वजह से इंसान की नेकियां जाय और बर्बाद हो जाती हैं, वो है इस्लाम के मुकाबले में किसी दूसरे दीन या किसी दूसरी तहजीब को पसंद करना, या इस्लाम की किसी तालीम को ना पसंद करना, या इस्लाम की किसी तालीम का मजाक उड़ाना। इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। सूरह माईदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम को दीन के तौर पर तुम्हारे लिए पसंद कर दिया है। इसी दीन को अपनाने में दुनियावी और उखरवी कामयाबी है। जो शख्स इस दीन को छोड़कर किसी और दीन को अपनाएगा, वो अल्लाह ताला के दरबार में काबिल कबूल नहीं। सूरह आली इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, जो शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को अपनाएगा, हरगिज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। एक मरतबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने तौरात का एक नुस्खा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। फिर उसको पढ़ने लगे, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया, अफी शक्किन अंता यबना खत्ताब, ए इब्ने खत्ताब, ए उमर इब्ने खत्ताब, क्या तुम मेरी लाई हुई शरीयत के बारे में शक में मुब्तला? अलम आदि बिहा बैदा नकिया, लौ काना अखी मूसा हय्यन मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, क्या मैं एक साफ और रोशन शरीयत लेकर नहीं आया? सुन लो, अगर इस वक्त मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनके लिए जरूरी होता कि मेरी इत्तिबा करते। तो इत्तिबा अब नबी की होगी, दीन दीन इस्लाम ही काबिल कबूल होगा। एक दूसरी रिवायत में है, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि यहूद और नसारा की कुछ तालीमात हमें अच्छी मालूम होती हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हीं भी लिख लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी
उसी तरह बेराह रवी का शिकार होना चाहते हो जैसे यहूद और नसारा बेराह रवी का शिकार हुए, हालांकि मैं तुम्हारे पास एक रोशन और वाजे शरीयत लेकर आया हूं। अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनके लिए जरूरी होता कि वो मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करते। आज मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस्लामी तालीमात की बजाय मगरबी तहजीब को अपनाने को पसंद करती है, न सिर्फ पसंद करती है बल्कि इसको अपनाने पर फख्र भी करती है। यकीनन ये चीज नेकियों को जाय और बर्बाद करने वाली। कुछ जिद्दत पसंद लोग ऐसे भी हैं जो मगरबी तहजीब से मरूबियत की वजह से इस्लामी तालीमात को नापसंदीदगी की नजरों से देखते हैं। मसलन दाढ़ी, पर्दा, तादुद इस्तिवाज, हुदूद ताज़ीरात वगैरह, इस्लाम की ये तालीमात उन्हीं नापसंद मालूम होती है, उन्हीं पसंद नहीं आती। वो अपनी नाकिस अकल की वजह से नाकिस अकल के मुताबिक इन तालीमात को नापसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में सूरह मोहम्मद में इरशाद हुआ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, कि इन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा तालीमात को नापसंद किया जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया, उनके अमाल को जाय कर दिया। जो लोग इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में सूरह तौबा में कहा गया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला अल्लाह की आयतों का अल्लाह की आयतों का और अल्लाह के रसूल का तुम मजाक उड़ाते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, अब उज्र मत पेश करो, ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र की रविश इख्तियार की। तो गर्स मोमिन जब इस्लामी तालीमात को नापसंद करता है या इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाता है तो फिर उसके आमाल जाय और बर्बाद हो जाते हैं। बसा औकात वो दायरे इस्लाम से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाता है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात को अपनाए, अगरचे ये तालीमात उसकी नाकिस अकल में अपनी अकल का कसूर समझ तालीमात की बालादस्तों को। छठा अमल जिसकी वजह से इंसान की नेकियां जाय और बर्बाद हो जाती हैं, रियाकारी है। रियाकारी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान की नेकियां जाय हो जाती हैं। रियाकारी का मतलब है नेक अमल अल्लाह को खुश करने की बजाय बंदों को खुश करने के लिए या दुनियावी गर्ज के लिए किया जाए, इससे भी इंसान के अमाल जाय हो जाते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद है, अना अग़ना शुरका यानी शिर्क मन अमिल अमलन अशरका फीही मईया गैरी तरक्तुहु व शिर्का, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शरीकों से बेनियाज हूं, जो शख्स किसी अमल में मेरे साथ किसी और को भी शरीक करे तो मैं उसको भी और उसके शिर्क को भी मैं तर्क कर देता हूं, मैं उसे छोड़ देता हूं। कयामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले जहन्नम के बारे में फैसला किया जाएगा, सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है कि तीन किस्म के लोग होंगे, उनमें से एक आलिम होगा, दूसरा ताकतवर और बहादुर होगा और तीसरा मालदार होगा। तीनों को अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनाकर पूछेगा कि तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया। आलिम कहेगा कि मैंने अपने इल्म से तेरे दीन की खिदमत की। बहादुर और ताकतवर कहेगा कि मैंने अपनी ताकत और कुव्वत के जरिए तेरे दीन की खिदमत करता रहा, यहां तक कि अपनी जान कुर्बान कर दिया। और मालदार कहेगा कि मैंने अपनी सारी दौलत तेरे दीन की खिदमत के लिए लुटा दिया। तीनों से अल्लाह ताला कहेगा कि तुम झूठे हो, तुमने ये सारे काम इसलिए किए कि लोग तुम्हें कारी कहें, आलिम कहें, बहादुर और ताकतवर कहें, सफी और मालदार कहें, फकत की ये सारी बातें दुनिया में तुम्हारे लिए कह दी गई। फिर हुक्म दिया जाएगा, फरिश्ते उन्हें घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब भी वो इस हदीस को बयान करते रियाकारी के अंजाम को सोचकर उन पर गशी तारी हो जाती
तीन तीन चार चार मरतबा उन पर गशी तारी हो जाती और बेहोश हो जाती। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह हदीस सुनी तो कहने लगे इन लोगों का ये मामला, इन लोगों के साथ ये मामला किया गया, इनके बाद आने वालों के साथ क्या मामला होगा। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए, इस कदर रोए के रावी कहते हैं कि हत्ता ज़लन्ना अन्नहु हालिक, हमें खौफ होने लगा, हमें अंदेशा होने लगा कि कहीं वो फौत ना हो जाए, कहीं हलाक ना हो जाए। क़यामत के दिन रियाकारों को बुरी तरह रुसवा किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा इकराम से फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा शिर्क के असगर से डरता। सहाबा इकराम ने दरियाफ्त किया कि शिर्क के असगर क्या है। आपने फरमाया रियाकारी ये शिर्क के असगर है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों से कहेगा जो लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए दुनिया में नेक अमल किया करते थे, इذهبوا الى الذين كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, उन लोगों के पास जाओ जिन्हें दिखाने के लिए, जिन्हें खुश करने के लिए, जिन्हें राजी करने के लिए तुम दुनिया में नेक अमल किया करते थे, और देखो आज वो तुम्हें क्या बदला देते हैं। जाहिर सी बात है कि क़यामत के दिन अल्लाह के सिवा कोई और बदला देने वाला नहीं होगा। इस तरह उन्हीं क़यामत के दिन रुसवा किया जाएगा। रियाकारी से बचना बहुत मुश्किल काम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिताब करते हुए फरमाया, अश्शिर्कु फीकुम अख़्फ़ा मिन दबीबिन नमल, शिर्क यानी रियाकारी तुम्हारे आमाल में चूंटी की चाल से भी कहीं ज्यादा आहिस्तगी के साथ दाखिल हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखलाता हूं, अगर तुम उसका एहतमाम करोगे तो शिर्क के असगर और शिर्क के अकबर दोनों से महफूज रहोगे। फिर अल्लाह के रसूल ने ये दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम, रियाकारी से, शिर्क के असगर और शिर्क के अकबर से बचने और महफूज रहने की एक बेहतरीन दुआ है। इसी तरीके से एक और अमल जिसकी वजह से हम हमारे नेक आमाल जाया और बर्बाद हो जाते हैं, वो है सदका करने के बाद एहसान जतलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, मुसीबतों में उनके काम आना और उनकी जरूरत पूरी करना, अजर व सवाब का काम है। मगर सदका और खैरात करने के बाद एहसान जतलाना ऐसा गुनाह है जिससे नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल्मन्नी वल अज़ा, ऐ ईमान वालों अपने सदकात को, अपनी अपने इन्फाक को एहसान जतला कर, ईज़ा और तकलीफ देकर बर्बाद मत करो, ज़ाया मत करो। एक और अमल जिसकी वजह से इंसान की नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाती हैं वो है तन्हाई में मौका पाकर बुराई करना। तन्हाई में मौका पाकर लोगों की नजरों से बचकर नेकी करना, अच्छा काम करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने खुसूसी साए में जगह अता फरमाएगा। सात खुशनसीब जिन्हें अल्लाह ताला अपने खुसूसी साए में, अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उनमें से एक खुशनसीब वो भी होगा, वो आदमी जिसने तन्हा अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जिस तरीके से तन्हाई में लोगों की नजरों से बचकर नेक अमल करना बड़े अजर व सवाब का काम है, उसी तरीके से तन्हाई में लोगों की नजरों से बचकर बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ लोग बज़ाहिर बड़े नेक मालूम होते हैं, नमाज रोजे के पाबंद भी होते हैं, यहाँ तक के नवाफिल और तहज्जुद का एहतमाम भी करते हैं, मगर जैसे ही तन्हाई में मौका पाते हैं तो बुराइयों का इर्तिकाब करने लगते हैं। ऐसे लोगों के आमाल जाए और बर्बाद हो जाते हैं। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जिनकी नेकियां तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगी। अल्लाह ताला
उनके इन आमाल को हवा में जर्रों की तरह बिखेर देगा। लोगों ने दरियाफ्त किया, लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल जरा हमें उन लोगों की सिफात बतलाइए ताकि हम उनसे महफूज रह सकें, ताकि गैर शुरी तौर पर शुमार भी इन लोगों में ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम वमिन जलदतिकुम वयाखुजून मिन अल्लैल कमा ताखुजून वलाकिन्नहुम अक्वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा। कि सुन लो, वो तो तुम्ही में से हैं और तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी तरह रातों में इबादतें भी करते हैं, मगर जब तन्हाई में मौका पाते हैं तो अल्लाह की उम्मतों को पामाल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती हैं। एक और अमल जिसकी वजह से इंसान की नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती हैं, वह है बंदों के हुकूक की पामाली। एक इंसान पर, एक उम्मीद पर, एक तरफ तो अल्लाह ताला के हुकूक हैं जिनको अदा करना उसके लिए जरूरी है, दूसरी तरफ बंदों के हुकूक भी हैं, बंदों के हुकूक भी अदा करना एक मोमिन के लिए जरूरी है। अगर कोई मोमिन अल्लाह के हुकूक तो अदा करे मगर बंदों के हुकूक अदा करने में गफलत बरते तो उसकी नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से दरियाफ किया, अतदरून अमल मुफलिस, जानते हो मुफलिस और लाचार और गरीब कौन है? लोगों ने कहा, अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हमारे दरमियान मुफलिस और लाचार गरीब और नादार वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और जकात की शक्ल में ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, साथ ही वो कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि वो किसी को गाली दिया होगा, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का नाहक खून किया होगा, किसी का माल हड़प किया होगा और किसी को नाहक मारा होगा, जिसके नतीजे में उसकी नेकियां इन मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाए, मजलूमों की फहरिस्त बाकी रह जाए, तो फिर इन मजलूमों के गुनाह लेकर इस आदमी के सर पर डाल दिए जाएंगे। नतीजे में वो शख्स जिसकी ये सारी नेकियां थी, ये सारी नेकियां जाया और बर्बाद हो जाएंगी, और फिर ऐसे शख्स को जहन्नम में घसीट कर दाखिल कर दिया जाएगा। ये 8 ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से मोमिन की नेकियां और जाए और बर्बाद हो जाती हैं। हर मोमिन को चाहिए कि नेकी करने के साथ साथ नेकियों की हिफाजत और उनकी कबूलियत की भी फिक्र करे। कम अकल इंसान भी जब कोई कीमती चीज खरीदता है तो उसकी हिफाजत की फिक्र करता है। अगर किसी के घर में हीरे जवाहरात हो या सोने चांदी हो या उसके पास कोई बड़ी रकम मौजूद हो तो उनकी हिफाजत के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि ये कीमती सामान चोरी ना हो। दुनिया के मामलात में हम इस कदर चालाक हैं मगर दीन के मामले में इस कदर गफलत का शिकार हैं कि नेकियां तो करते हैं मगर उनकी हिफाजत की हमें फिक्र नहीं होती। ये सारे गुनाह कोई हमारी नेकियों को लूटने वाले हैं। हमें चाहिए कि अपनी नेकियों को इन चोरों और डाकुओं से, ऐसे गुनाहों से बचाएं ताकि हमारी नेकियां महफूज रहें, हमारी नेकियां जाए और बर्बाद ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेकियों को की हिफाजत करने और अपनी नेकियों को बर्बाद करने वाले गुनाहों से, आमाल से बचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलत शेख मोहम्मद इब्राहिम उमरी मदनी हाफिज़ाउल्लाह जद्दा दावा सेंटर, सलामा
सऊदीया की दूसरी कॉन्फ्रेंस से आ रहे थे। आपका मौजू नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल, आपने अपने मौजू को आपने अपने मौजू को कुरान और हदीस के उस दलाइल से बेहतरीन अंदाज में पेश फरमाया। हम शेख का बेहद मशहूर है, अपने हमें नवाजा और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला शेख और आपके अहमाल को अपने सम्मान में रखे और इनके इल्म और अमल और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह फैज शेख, अभी हमारे दूसरे लेक्चर का टाइम शुरू हो गया है। आज के हमारे दूसरे मुकर्रर हैं शेख जैद पटेल। आगे हैं आज के हमारे दूसरे मुकर्रर हैं ब्रदर अबू अब्दुल्ला जैद खालिद पटेल हाफिजुल्ला। आपका मौजू है खुशी से अपने माशरे को कैसे बचाएं। ये मौजू आपने खुद सेलेक्ट करके हमें इस मौजू पे बात करने के लिए कहा है। ये मौजू जो है नहायत ही अहम है, वक्त की बहुत शदीद जरूरत है और हम शेख का बेहद मशहूर है कि इस तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया। आप आई प्लस टीवी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपकी दिन रात की मेहनत से आज आई प्लस टीवी चैनल को दुनिया भर में शोहरत मिली और चैनल सुना और देखा जाता है। आप इंडिया में तीन दावा सेंटर को चला रहे हैं। इन तमाम जिम्मेदारियों के अलावा आप खुद भी दिन की तकनीक में दिन रात कोशिश हैं। आपकी तकरीर यूट्यूब और फेसबुक में अपलोड की जाती है और स्पेशली जो आजकल इनके छोटे छोटे क्लिप जो हैं बहुत मशहूर हो रहे हैं और आपकी एक पूरी टीम यूट्यूब पर और मुख्तलिफ चैनलों पर अपलोड करने में काम कर रही है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोग हैं आपका स्टाफ है जिनको आप देखते भी हैं और खुद भी दिन रात दीन की खिदमत करते हैं। मैं शेख जैद खालिद पटेल हाफिजुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तकरीर का आगाज फरमाएं। शेख जैद पटेल हाफिजुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिद्दा दावा सेंटर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करिए क्योंकि मैं पावर पॉइंट बताना चाहता हूँ आज के लेक्चर में। स्क्रीन शेयरिंग मेरी डिसेबल्ड है, जरा स्क्रीन शेयरिंग पहले ऑन करिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। एक्टिवेट हो गई। हाँ हो गई। आवाज बंद कर दो यार। क्या आपको स्क्रीन मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट कंफर्म करें जी। अभी शेख स्टार्ट होने लगे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर एक बार कि कंफर्म करें मेरी स्क्रीन जो मैं शेयर किया हूं वो दिख रही है। अभी स्टार्ट नहीं हुई आ रही है उसके। नहीं
नहीं वो लीव हो गए हैं। ये क्या आ रहा है? ये बंद करो माइक, बंद माइक बंद। सबकी आवाज दोबारा क्यों आ रही है आज? सब चीजें इसकी पता नहीं बाहर कर रहा है, बस इतना ही है कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। बिल्कुल कर रहा है क्योंकि इसकी आवाज को मतलब तब आ रही है, इस मोबाइल में हो रहा है। माइक भी बंद है, फिर भी मेरी और आपकी सबकी आवाजें जा रही है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी स्क्रीन दिख रही है। ओके चलो, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहाबी अजमईन। अम्मा बाद, मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं आज के प्रोग्राम में। हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप सुइसाइड, खुदकुशी को कैसे रोकें। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन है ये लफ्ज खुदकुशी से ही है। लफ्ज खुदकुशी किसने नाम दिया है ये? खुदकुशी मतलब खुश करना अपने आप को, ये तो बहुत बुरी चीज है। लफ्ज बहुत बुरा लफ्ज है जिसने भी बनाया, अगर ये माना है जो मैं समझ रहा हूँ अपेरेंटली। लेकिन सही बात तो ये है, कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक गम की बात है। एक गम की बात यह है कि एक इंसान जिसको ऊपर वाले ने जिंदगी दी और जिंदगी पाने के बाद में वो अपने हाथ से अपनी जिंदगी ले लेता है। और मैं इस चीज के ताल्लुक से आप सबके सामने कुछ बहुत बड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं आज के लेक्चर के अंदर। और इसी वजह से मैं वीडियो ऑफ करके अपनी पावर पॉइंट बताना चाहता था ताकि आपके सामने मैं अपनी सारी बातें रखूं। ये फर्स्ट स्क्रीन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये आज के माहौल के एतबार से एक बहुत अहम चीज है। और हम अल्लाह से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं कि ये मौजू जो एक बहुत ही डेलिकेट मौजू है, इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने जो हकीकतें हैं, जो इसके सामने जो रियलिटी है आपके सामने ला सकूं, और जो तमाम बातें जो मैं सोचा हूं उसके अल्फाज में बयान कर सकूं। अल्लाह से मदद तलब करते हुए मैं शुरू करता हूं। आपके सामने जो पर्सन की फोटो है, ये केस मैंने क्यों सिलेक्ट किया, एक वजह से सिलेक्ट किया। ये एक अमेरिकन एक्टर है, रॉबिन विलियम्स। इन्होंने 2014 में सुइसाइड किया, आत्महत्या, खुदकुशी की जिसे कहा जाता है। और आवाज आ रही है बिलाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपका फोन साइलेंट, आपका साइलेंट करें प्लीज। तो आप सबसे मैं बता रहा हूं कि ये शख्स ने जब, ये एक्टर ने जब खुदकुशी की उसके बाद क्या हुआ, देखिए। स्टडीज में आया, एक चार महीनों में सारी वेस्टर्न कंट्रीज में सुइसाइड बढ़ गया, खुदकुशी करना लोगों की बढ़ गई। और किस हद तक बढ़ गई कि आप देखिए, चार महीने की रिपोर्ट में आया कि 15 साल का एवरेज, 1999 से 2015 के एवरेज में पूरा देखा गया, तो देखा गया कि चार महीने के अंदर 1841 केसेस सुइसाइड के ज्यादा हुए, यानी 10% इंक्रीज हो गया सुइसाइड केसेस। रिपोर्ट्स के अंदर आया, ये खुद एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट के अंदर आया कि ये सुइसाइड जो बढ़े वो इस एक एक्टर के सुइसाइड की वजह से बढ़े। रॉबिन विलियम्स ने सुइसाइड किया, लोगों ने सोचा कि इतने बड़े एक्टर ये सुइसाइड कर रहे हैं, हम लोग क्यों ना करें। आप जानते हैं कि लोग एक्टर्स की हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, कपड़ों की स्टाइल कॉपी करते हैं, और उसके बाद में उनकी सुइसाइड को भी कॉपी करने वाले लोग निकले। आप देखिए, बहुत दूर की बात नहीं है, इंडिया के अंदर जो एक्टर ने सुइसाइड किया है, मैं उस बैकग्राउंड में ये टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। और इंडिया में कई सारे एक्टर्स ने पास्ट में सुइसाइड किया है। अगर आप विकिपीडिया का पेज देखें तो उस पेज के अंदर दिया गया है पूरे 17 एक्ट्रेसेस और 9 एक्टर्स जिन्होंने सुइसाइड किया है इंडिया के अंदर, जिन्होंने सुइसाइड किया है पिछले सालों में इंडिया में। आप खुद देखिए कि जिस एक्टर ने, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुइसाइड किया, अभी दो दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, 17 जून की रिपोर्ट है, जिसके अंदर आया कि एक 16 साल का बच्चा, उसने सुइसाइड किया। और सुइसाइड करने में जो उसने नोट छोड़ा था, तो उसने नोट में क्या कहा, My brother had said when an actor like Sushant Singh could commit suicide, then he too could do it. मतलब सुशांत सिंह ने जब suicide कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर लूं? वो छोटे बच्चे ने लिखा, 16 साल के लड़के ने, परेशान था कुछ जिंदगी में, उसको प्रॉब्लम था, लोग उसे चिढ़ाया करते थे, लोग उसे ये किन्नर कहा करते थे, जिसका मतलब होता है हिजड़ा कहा करते थे, उसको बुरा लगता था। फाइनली उसने खुदकुशी कर ली, कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूं। मतलब सेम जो अमेरिका के ना केस हुआ, ये सेम केस यहां भी अभी स्टार्ट हो गया है। और ऐसा होता है, लोग आज इंडिया में एज इट इज कोरोना वायरस लॉकडाउन वगैरह जैसे अकेले रह रहे हैं घरों में,
ज्यादा चांसेस होते हैं कि आदमी अकेला रह जाता है. जब आदमी अकेला होता है तो क्या होगा, उसकी चांसेस ऑफ सुसाइड बढ़ जाते हैं. वही हो रहा है, इकोनॉमी खराब पोजिशन में है, आमदनी लोगों की रुकी हुई है, लोगों के बिजनेसेस रुके हुए हैं, जॉब्स रुके हुए हैं. अब इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हो आपके सामने है. अच्छा ये देखिए चार्ट, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है और इस चार्ट के अंदर वर्ल्ड में जो कंट्रीज में सुइसाइड का क्या रेट मिलता है वो रेट के हिसाब से कलरिंग की गई है. आप ये कलरिंग के ना क्या देख सकते हैं कि इंडिया का कलर डार्क रेड है और डार्क रेड जो कलर कंट्रीज का है वहां पे सुइसाइड का सबसे हाईएस्ट रेट मिल रहा है और जो कंट्रीज का लाइट येलो है वहां पे सुइसाइड का सबसे कम रेट मिल रहा है पर लाख पॉपुलेशन. मतलब जो हर 1 लाख लोगों के लिए सुइसाइड का रेट क्या है, तो सुइसाइड का रेट इस तरह से मिल रहा है. और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिया में सुइसाइड रेट बहुत ज्यादा है और यहां तक आप देखा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह का भी ऑरेंज है, मतलब सुइसाइड का हाई रेट ही मिल रहा है डेवलपमेंट के बावजूद. तो हम देखते हैं यहाँ पे ये बात है और इंडिया की तो मिसाल ऐसी है. मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ. एक फिल्म आई थी कुछ वक्त पहले, जिस फिल्म के अंदर, अभी तो रियल लाइफ की बात हो रही थी कि एक एक्टर ने रियल लाइफ के अंदर एक एक्टर ने सुइसाइड किया. अब वो फिल्म के अंदर जब बताया गया था कि एक्टर फिल्म के अंदर, इमेजिन कर सकते हैं, मतलब रियल लाइफ नहीं है वो, कहानी है वो तो, लेकिन फिल्म के अंदर जब मूवी के अंदर सुइसाइड्स बताए गए तो देखा गया कि वो मूवी के बाद सुइसाइड रेट बढ़ गया. यहां तक का आप देखोगे कि मैं आपको एक केस बताता हूं. एक क्लास 10 के स्टूडेंट ने वही फिल्म का जो डायलॉग था, जो सुइसाइड करते वक्त डायलॉग उसके अंदर बताया गया था कि एक शख्स सुइसाइड करता है और लिखता है आई क्विट, वही सेम डायलॉग लिख करके एक क्लास 10 के स्टूडेंट ने सुइसाइड किया. और ये पोजीशन है इंडिया में. इंडिया की पोजीशन क्या है आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया में हाईएस्ट सुइसाइड रेट इंडिया में है. साउथ ईस्ट एशिया का वर्ल्ड का एवरेज सुइसाइड रेट 10.5 पर लाख है, मतलब हर 1 लाख लोगों में 10.5 सुइसाइड होते हैं. इंडिया में 16.5 है और ये भी रिपोर्टेड केसेस की बात हो रही है. जो अनरिपोर्टेड है वो बात अलग है, जो डेटा फज किया जाता है, डेटा चेंज किया जाता है, थोड़ा अच्छा पिक्चर बताया जाता है, वो बात अलग है. रिपोर्टेड केसेस के अंदर इंडिया के अंदर ये पोजीशन है कि वर्ल्ड के एवरेज से 1.5 गुना सुइसाइड हो रहे हैं इंडिया में. सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें आप देखिए, ये सबसे शॉकिंग बात है. मैं खुद भी जब देखा, मुझे पता था लेकिन मुझे खुद इस बात पे बहुत शॉक हुआ. एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि रोज 28 स्टूडेंट सुइसाइड कर रहे हैं. 28 स्टूडेंट सुइसाइड करते हैं रोज इंडिया में एवरेज, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन एवरेज 28 का आ रहा है. आप सोच सकते हो कितना बड़ा ये फ्यूचर होता है कंट्री का. ये वो लोग होते हैं जो कल जाके बढ़ के कुछ डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा काम करेंगे. ये यूथ होते हैं और यूथ के अंदर अमेरिका में भी जो सेकंड कॉज ऑफ डेथ है, सेकंड कॉज ऑफ डेथ क्या है, सुइसाइड अमेरिका में भी. एक और चीज देखा जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स जब आती है सेलिब्रिटी सुइसाइड की वजह से, उसकी वजह से आने वाले 1-2 महीना सुइसाइड रेट्स बढ़े जाते हैं. यहां तक आके जिस तरीके से उस सेलिब्रिटी ने सुइसाइड किया उस तरीके से सुइसाइड बढ़ जाता है. सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो दिखता है कि उसने कैसे सुइसाइड किया, वो सुइसाइड रेट बढ़ जाता है. सेम तरीके से करेंगे लोग ये, यानी लोगों की ब्लाइंड फॉलोइंग है. हम जो लोगों से कहते हैं कि आपको सही रोल मॉडल सिलेक्ट करना चाहिए आपके जिंदगी के लिए, रोल मॉडल जो हो वो सही होना बहुत जरूरी है. क्यों, आप अपने आप को अगर रॉन्ग रोल मॉडल से, रॉन्ग मिसाली किरदार से अपने आप को कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे, उसकी जिंदगी के हर अच्छे गलत फैसले से आप मोटिवेट या डीमोटिवेट होते रहोगे. आप सही या गलत रास्ता लेते रहोगे. आप पिएगा, आप भी शराब पीना सही समझने लगोगे. वो सिगरेट पीना की स्टाइल अपनाएगा फिल्म में तो उसे कूल समझने लगेंगे, वो सुइसाइड कर लेगा तो लोग सुइसाइड का रेट भी बढ़ जाएगा. इसीलिए हम देखते हैं कि ऊपर वाले ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मैसेंजर्स भेजे, रहनुमा मार्गदर्शक, रसूल और पैगंबर भेजे. ये रसूलों और पैगंबरों का बताया हुआ रास्ता सबसे सही और सेफ रास्ता है, उसके अंदर कभी कोई गलत रास्ता मिलेगा ही नहीं. और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम देखते हैं कोरिया की मिसाल. कोरिया वर्ल्ड की वो कंट्रीज में है 4th नंबर पे जहां सबसे ज्यादा सुइसाइड होते हैं. वहां का केस के अंदर हम देखते हैं कि 30 कोरियन सेलिब्रिटीज ने सुइसाइड किया था, उसकी पूरी लिस्ट है. उसके रिजल्ट में कोरिया के अंदर सुइसाइड रेट इतना बढ़ गया. और देखा जाता है कि सुइसाइड सेलिब्रिटीज में, सीईओज में, ऐसे किस्म के जो अचीवर्स में बहुत कॉमन है, मतलब कॉमन है. ये साउथ चाइना की रिपोर्ट है जो पूरा यानी हांगकांग और चाइना के सेलिब्रिटीज के ताल्लुक से चेक करते हुए बताया गया कि सेलिब्रिटीज में, सीईओज में, क्रिएटिव्स में किस तरह से कॉमन है सुइसाइड.
अच्छा ये मैं आपको ये एक और चीज बताऊंगा, तो ये सारी चीज देखने के बाद अब मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ कैसे हम सुइसाइड को रोक सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे सिवाय ओपनिंग, सिर्फ ताकि हम सब इस प्रॉब्लम को सीरियसली लें। ये प्रॉब्लम ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसका सामना करना होगा, क्योंकि लोग ये सारी मीडिया कवरेज से भी मुतासर हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो फिल्म मेडिक्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर देखकर उससे मुतासर हो जाते हैं, बोले हो ये फिल्म एक्टर ने सुइसाइड किया, ये फला ने सुइसाइड किया, तो लोग वो चीज से ज्वाइन होकर उस चीज से कनेक्ट होने लगते हैं। खासतौर से क्या होता है जब मीडिया के अंदर उस सुइसाइड को पॉजिटिव कवरेज मिलती है, मतलब जब उसे बताया जाता है कि नहीं ये कोई गलत नहीं है, ये क्या गलत है, तो उस सिचुएशन के अंदर लोग उसे पॉजिटिवली जब बताते हैं, एक सेलिब्रिटी वहां पे कंसर्न्ड है, मैं किसी के ऊपर जजमेंट नहीं पेश कर रहा हूं, मैं कोई एक्टर के बारे में इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बातें कर रहा हूं, लेकिन जब एक पॉजिटिव कवरेज आती है तो लोगों में एक मैसेज आता है कि सुइसाइड के अंदर कोई गलत चीज नहीं है। प्लस हम देखते हैं कि इंडिया में एक और कल्चर है, और ये मैंने खुद वीडियोज में बोलते हुए सुना है लोगों को, कि हम अलग अलग जन्म जीते हैं, पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। जब पुनर्जन्म का कंसेप्ट है उसके अंदर ये माना जाता है कि एक जन्म खत्म होता है तो दूसरा जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, बहुत सारे जन्म में होंगे। तो लोग कहते हैं अब ये जन्म में नहीं हो सकता मुझसे, आई गिव अप, नहीं होता है मुझसे ये जन्म में, लेट मी एंड इट ताकि अगली बार एक फ्रेश स्टार्ट कर लूं। लेकिन सही बात तो ये है, ऐसा होने वाला नहीं है, ये एक धोखा है, पुनर्जन्म एक धोखा है हकीकत में, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी ये जिंदगी जो हमारे सामने है, ये है जिंदगी, ये है हमारा इम्तिहान, ये है हमारा टेस्ट। तो हम वो चीज को देखें, और आइए हम लोग आज देखते हैं कैसे हम रोक सकते हैं। मैं आज के इस लेक्चर में दो तरीके से बात करना चाहता हूं, दो। एक, मैं उस शख्स से बात करना चाहता हूं जो सुइसाइड करने सोच रहा है या जिसके जहन में ख्याल भी गुजरा है, मैं वो लोगों से डायरेक्टली बात करना चाहता हूं। और दूसरा, मैं सोसाइटी से बात करना चाहता हूं। तो मैं शुरुआत करूंगा सोसाइटी को, शॉर्ट लेक्चर है, सोसाइटी के लिए ज्यादा फोकस मेरा वो लोगों पर है जो खुद सोसाइटी के ताल्लुक से सोच रहे हैं। मैं सोसाइटी से ये कहूंगा कि इस्लाम ने यह सिखाया है कि हम सबको एक दूसरे के लिए केयर करना चाहिए, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कि दुनिया के अंदर कोई एक चीज है जो दुनिया के लोग उसे नहीं पकड़ सकते, क्राइम के तौर पे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वाले की नजरों में वो क्राइम है। कुछ लोग हैं जो मेंटली टॉर्चर करते हैं किसी और को, कुछ लोग हैं जो गलत रास्ते अपनाते हैं और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। कुरान में दिया गया है वमन मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन और फसाद फिल अर्ध, जो किसी एक जान का कत्ल करे मासूम जान का, फकअन्नमा कतल नास जमीअ, बिलमफहूम बता रहा हूं, ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये कत्ल के ताल्लुक से है, कत्ल छुरी से होता है लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता कि उनकी जुबानों से कितनी तकलीफ लोगों को होती है। उनको अपनी जुबानों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें ऊपर वाले को जवाब देना है, ये एक इम्तिहान है हमारा, एग्जाम है हमारा। हाँ, एक इंसान फेल हो सकता है लेकिन अपने आप को सुधारे, अपने आप को करेक्ट करे, सही रास्ता अपनाए, पछतावा हो, सही रास्ता तौबा का अपनाए, सही रास्ता ले, लोगों को साथ जिनको हर्ट किया है उनसे माफी मांगे, उनके साथ तकलीफ उनको दी है तो तकलीफ को दूर करें, उनसे माफी मांग ले दुनिया में, नहीं तो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। इस्लाम ये भी सिखाता है कि ना अकेले रहो ना अकेले छोड़ो, अकेले रहो भी मत, अकेले छोड़ो भी मत। इस्लाम ने कंसेप्ट बताया कि मिलकर जमा के तौर पर रहो, एक कम्युनिटी के तौर पर रहो। और कुरान में दिया गया है इन्नमल मोमिनोना इख्वा, सारे के सारे जो बिलीवर्स होते हैं, जो ऊपर वाले में बिलीव करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, वो तो भाई होते हैं, एक दूसरे के भाई। एक दूसरे का ख्याल रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और ये भी बताया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़िया जो अकेली मेंढी होती है उसको पकड़ता है, उस उचकता है। जो मेंढी अकेली रह जाती है, पूरे सब मेंढियां साथ में नहीं, एक मेंढी अकेली निकल के निकल गई तो भेड़िया उसे उचकता है। तो मतलब मिल के रहो, साथ रहो और अकेले छोड़ो भी मत। कुरान में दिया गया है सूरतुल असर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, इल्ल लदीन आमनु, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, वो अमेल सालिहात नेक काम की, वो तवासो बिल हक हक की तलकीन की, वो तवासो बिल सब्र सब्र की तलकीन की। सब्र की तलकीन करना मतलब कोई परेशान हो तो उससे बात करो भाई, ये तुम्हारी नजात के लिए चार चीजें जो जिक्र है उसमें से एक चीज है कि सब्र की तलकीन करो, एक दूसरे को अच्छी बातें बोलो,
कोई परेशान है उसे छोड़ मत दो, वो तकलीफ में है, उसको उसको तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो अकेला अकेला रह रहा है, डिप्रेस्ड है कंटिन्यूसली, कई हफ्तों तक उसका डिप्रेशन कंटिन्यूड है, ये सब सीरियस सिम्टम्स होते हैं। उससे बात करो, सब्र की तलकीन करो, उसे उसे आश्वासन दो, अश्योरेंस दो, उसे बताओ कि नहीं हालात बदलेंगे, उसे कहो कि मुश्किल के साथ आसानी, सारी बातें जो आगे आने वाली है बताओ तुम। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों के बाद चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक हमारा आज का। अब वो है उस शख्स से हम बात कर रहे हैं जिसके जहन में कभी ख्याल गुजरा है कि वो खुदकुशी करें। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी है ना, ये एक अमानत है, अल्लाह की दी हुई अमानत। जिंदगी हम अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, ना हमने अपने आप को जिंदगी दिए, ना हम अपनी जिंदगी ले सकते हैं। आपने अपने आप को बनाए हो तो कर लो खुदकुशी, अगर आप हो अपने बनाने वाले खालिक आप हो, कर लो खुदकुशी। लेकिन आपने जब अपने आप को नहीं बनाया तो आपको कोई हक नहीं है कि वो जिंदगी लो जो अल्लाह ने आपको दी, वो अमानत है अल्लाह की दी हुई। और आपको एक बात देखनी है तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर सामने है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी से मरता है, हर 40 सेकंड में। लेकिन आप लास्ट लाइन पढ़िए रिपोर्ट की, 20 लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक शख्स की मौत होती है। मतलब 20 लोग खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं, जो चार्ट देख रहे हैं ना पाई चार्ट, इसमें जो ग्रे है ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, और जो रेड है यानी वो लोग जो खुदकुशी से मर गए। कितनों की होती है? 20 में से एक की, यानी 95% लोगों की मौत होती नहीं है। हकीकत यह है कि उनकी मौत लिखी नहीं थी उस वक्त पर, ऊपर वाला जिसने उन्हें बनाया, कोई उनसे पूछ के नहीं बनाया कि मैं तुम्हें बना रहा हूं, उसकी मर्जी है, उसने बनाया, हमें इम्तिहान के तौर पे यहाँ भेजा, हमने इम्तिहान में चुना है कि हम यहाँ आए, भले ही वो उस एक इंसान को याद ना रहे। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम आए ऊपर वाले की मर्जी से, जाएंगे भी उसी की मर्जी से। ये जो ग्रे में आप देख रहे हैं ना, ये सारे लोगों की मौत का वक्त नहीं आया था, ये मरे नहीं। और जो लाल में जो देख रहे हैं ना, जो 20 में से एक शख्स, यानी 5% वो लोगों की मौत का वक्त आया था। अगर वो खुदकुशी नहीं भी करते तो वो मरने वाले थे उस वक्त। उस वक्त अगर खुदकुशी नहीं करते तो हो सकता है सीलिंग उनका गिर जाती, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाता, हो सकता है कोई और चीज हो जाती, लेकिन वो मौत का वक्त उनका आया था, बाकी सबका मौत का वक्त नहीं आया था। फिर उनका क्या होता है आपको जानना है? उनका क्या होता है? उनका वही होता है अगर किसी के मर्डर की कोशिश की जाए, मर्डर, और मर्डर की कोशिश के बाद उसकी मौत ना हो, मतलब मर्डर की कोशिश की जाए लेकिन मर्डर की कोशिश के बाद मौत नहीं हुई, तो क्या हाल होगा आपको पता है ना? वही हाल ये होता है 95% लोगों का। मतलब ये कि हो सकता है अपाहिज होकर जिंदगी आगे की गुजारेंगे, हो सकता है ऑर्गन फेलियर के बाद डायलिसिस वगैरह करके जिंदगी गुजारेंगे, हो सकता है कि उनकी मेमोरी चली जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, हो सकता है कि उनके उनकी कोई और चीज हो सकता है नॉर्मल भी हो जाए, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ। किसने मर्डर करने की कोशिश की पता है आपको? उन्होंने खुद अपना मर्डर करने की कोशिश की। ये मर्डर है, मर्डर, ये करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जिंदगी अपने आप को दी क्या? जब नहीं दी तो आपको लेने का कोई हक नहीं है। और आपको जानना है क्या होता है? देखिए मैं आपको कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा हूं। कोई भी शख्स बिल्डिंग से कूद जाए, बिल्डिंग से कूद गया तो भी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आया है 65.5% केसेस में मौत नहीं होती है, 65.5% केसेस में मौत नहीं होती है बिल्डिंग से कूदने के बाद भी। उसने अपनी नस काट दी तो 98.8% केसेस में मौत नहीं होती है। सोच रहे हैं आप? मतलब हो सकता है कि उसके ब्लड का इतना ब्लड निकल गया बॉडी से कि ऑर्गन फेलियर्स हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, लेकिन मरा नहीं वो, क्योंकि मौत की वक्त नहीं आया था। अपने आप को वो ट्रबल कर रहा है 95% ऑफ द केस में, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है। मतलब हम ये सोच रहे हैं क्या सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा उन्हें, लेकिन पहली बात ये कह रहा हूं, ये जिंदगी अमानत है, ये आपको संभालना है। निकलेगा रास्ता, कैसे रास्ता निकलेगा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ इज एन अमानत, ये हमने देख लिया। दूसरी जो एक जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग ये समझते हैं कि मर के दर्द खत्म हो जाता है, तो ये बात तो क्लियर हो जाए, 95% केसेस में मरता ही नहीं इंसान, दर्द उल्टा बढ़ जाता है उसके बाद बढ़ जाता है। और हो सकता है कि वो मर जाए
तो हकीकत में मौत के बाद खत्म नहीं होता है दर्द, क्योंकि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान के अंदर उसने अमानत में खयानत कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन कत्ल नफ्सहु बिशैइन उज़िब बिही यौम अल-क़ियामा, कि जो शख्स किसी चीज से अपना कत्ल करे वो उसी चीज से उसे अजाब दिया जाएगा क़यामत के दिन। मतलब कोई शख्स अपने आप को अगर बिल्डिंग से कूद के उसने मार दिया तो वो बार बार ऊपर से गिरना, सर टूटा, बार बार। कोई शख्स ने छुरी से अपने आप को मार के मारा, बार बार उसे वो चीज होती जाएगी। तो दर्द खत्म नहीं होता, ये गलत फहमी है कि दर्द खत्म हो जाता है। और सवाल ये है कि आप मायूस क्यों हैं? मतलब कोई ना कोई चीज से मायूस होता है इंसान, जिंदगी से मायूस होता है, जिंदगी में होने वाली चीजों से मायूस होता है। आप मायूस क्यों हैं? क्या आप ऊपर वाले से लिखा के लेके आए थे कि आपको अमीरों की जिंदगी गुजारनी है? क्या आप ऊपर वाले से लिखा के लेके आए थे कि आपको इतना लेवल ऑफ खुशी, सेटिस्फेक्शन, अचीवमेंट, सक्सेस मिलना ही मिलना चाहिए? ये लिखा के लाए थे? लिखा के लाए थे तो आपने ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन कैसे कर ले कि ये मुझे मिलना ही चाहिए? ये कहां से आया कि आपको मिलना ही चाहिए, ये कहां से आया? देखिए सही बात क्या है, एक शख्स जो गरीब है ना, वो सोचता है काश मेरे पास ये होता, पैसा होता, नाम होता, इज्जत होती, ताकत होती। अब देखोगे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह जिनके पास वो सब कुछ है, अब वो खुदकुशी कर रहे हैं। अब जो चीज लोग एस्पायर करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, वो काश वाली चीज उनके पास थी, वो सेलिब्रिटीज के पास मौजूद थी, वो बड़े बड़े जो नाम, हाँ, इज्जत थी उनके पास, पैसा था उनके पास, फिर भी उन्होंने खुदकुशी की। क्यों? क्यों? पता है आपको रीजन? हाँ पता है रीजन। रीजन ये है कि रीजन जानना है हमें। ये सोच ले आदमी कि मुझे वो मिल जाए तो मैं नहीं करता, मैं खुश होता, मेरे पास थोड़ा बड़ा घर होता, खुद का घर होता, मेरे पास अच्छा जॉब होता, अच्छे पैसे होते, मेरे पास ये होता, नाम होता, इज्जत होती, तो मैं खुश होता। लेकिन खुशी का फॉर्मूला रॉन्ग है ये। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे ना तो जिंदगी भर भागते रहेंगे और कहीं पहुंचने वाले नहीं है, वही फ्रस्ट्रेशन आखिर में मिलने वाला है। तो सही बात यह है कि हमें अपने कनेक्ट क्रिएटर से कनेक्ट करना होगा, उससे जिसने हमें ये सब कुछ दिया मांगे बगैर। हमें खाने की जरूरत थी, उसने खाना दिया। हमारे पास मुंह है चबाने के लिए, हमने मांगे भी नहीं थे, उसने दिया हमें मांगे बगैर दिया। हमें हाथ दिए, ये पांव दिए, ये सब कुछ दिए। आप सोचो ना, जरा सोचो, जो ये सब कुछ दे सकता है, एक ये धड़कने वाला दिल, ये किडनी, ये लिवर, ये आसमान, ये फिजा, ये ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जिसका इंतजाम उसने किया, क्या वो हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता? आप सोचो, क्या ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है कि जिसने ये पूरी कायनात को बना दिया, ये पूरे यूनिवर्स को बनाया, क्या वो आपके और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? हम ऐसे कैसे सोच लें कि वो नहीं कर सकता? हकीकत ये, वो करना है, उसके ऊपर, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और उससे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ आएंगी, हम रियली एम्पावर होंगे। एक इंसान अकेला है, अकेला। लोग जो बोलते हैं ना, मैं आज वीडियोस देख रहा था कि क्या वीडियोस बनाई गई है, सुसाइड कैसे रोकी जाए, मैं इस तालुक से वीडियोस देख रहा था, मैं देख रहा था ना, बहुत शैलो कंसेप्ट्स है। लोग ये समझते हैं कि ये चीज करके हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कैसे वो शैलो है। लोग कहते हैं किसी से बात करो, हाँ अच्छी चीज है, बात करो, लेकिन ये मत भूलो कि जिससे भी बात कर रहे हैं ना, उसको खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक जात है जिससे जब हम बात करते हैं तो वो सुनने वाला है, वो जानता है हमारे प्रॉब्लम को। हम जितना समझते हैं अपने प्रॉब्लम को, हमसे अच्छा वो समझता है। वो हमारे प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करने की ताकत रखता है। उससे बात करना वेस्ट नहीं है, वो गाइड करता है, दिल में ख्यालात आते हैं, हमारे हालात को बदलता है। उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो क्रिएटर है इस दुनिया का। उससे मांगना, उससे कनेक्ट करना ही समझदारी है। कुरान में आता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अपना भरोसा तवक्कुल अल्लाह पे कर दे, उसके मालिक ऊपर वाले पे कर दे, तो फिर ऊपर वाला ही उसके लिए काफी हो जाता है। मतलब तुम कोशिश करो, जो करना है वो कोशिश हम करेंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम छोड़ो उसे, ऊपर वाले पे छोड़ो, उससे कनेक्ट हो जाओ। यही है सोल्यूशन रियली। आप जिंदगी गुजार लो ऐसे ही यहां वहां, लेकिन सही बात ये, यही है सोल्यूशन कि उस पे जब छोड़ेंगे तो फिर वो हमारे लिए काफी होगा। देखो ये मिसाल देखिए, ये तिर्मिदी की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाह हक हक तवक्कुली, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो जैसा भरोसा करना चाहिए, लरुज़िक्तुम कमा युर्ज़िकु तुईर, वो तुम्हें भी वैसे रिस्क देगा जैसा परिंदों को रिस्क देता है। तगदु खिमासन व तरुहु बिताना, जब वो घर से निकलते हैं तो खाली पेट है, और बाहर वापस आते हैं शाम में पेट भरा हुआ होता है।
उनके पास क्या मामला है कि हम देखते हैं परिंदे तो जैसे अपने आप को इंजॉय करते हुए भी दिखता है ना, चर्पिंग अराउंड, कैसे लगता है इंजॉय भी कर रहे हैं, और ऊपर वाला उन्हें खाना देता है, वो घर से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन टेंशन लेके नहीं बैठते हैं कि मेरा क्या होने वाला है, शाम तक कैसे खाने का इंतजाम होगा, कैसे मैं घर खाना नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस वो क्या रखते हैं, उनके पास कितना जमा होता है। परिंदों की खास मिसाल देखी जाती है, क्या है मामला, उनको कौन खाना देता है। तो हम देखते हैं ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या हमें पता है, और क्या हम जानना चाहते हैं ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी की जो सीक्रेट है ना कि क्या है वो राज खुशी का, वो राज क्या पैसा है, नाम है, शोहरत है, अगर होता तो वो लोग मरे नहीं हुए नहीं होते जो सेलिब्रिटीज ने खुदकुशी की। सही बात तो ये है कि ये टेस्ट है, इम्तिहान है, और वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं उभारता हूँ कि ये सीक्रेट को जानने की आप खुद जिंदगी में पूरी कोशिश करिए, और वो सीक्रेट ये है कि इस दुनिया की जिंदगी टेस्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबल लियम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला तो कितना अजीब है, कितना स्ट्रेंज है मोमिन का मामला, इन्नामरहु कुल्लहु खैर, उसके लिए तो हर हाल में खैर ही है, एवरीथिंग इज गुड फॉर हिम। बोले मैं एग्जाम में फेल हो गया, कैसे खैर रही है, आप पढ़िए आगे। कोई कहे मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव मेरे टूट गए, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, मैं कंगाल हो गया, मेरे कर्जे चढ़ गए सर पर, मेरी मुझे कोई बहन कहे मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई क्या प्रॉब्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल लहू खैर, कुल लहू, हर चीज खैर है, हर चीज खैर है, खैर है। और अजीब लग रहा है ना मामला, हाँ अजब अल अमरिल मोमिन, बहुत अजीब बात है। वलैसा ज़ाक लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, ये किसी के साथ नहीं है, सिर्फ मोमिन के साथ है। मतलब जो बिलीवर होता है ना अल्लाह में, आखिरत में, जो इस बात को समझता है, जिंदगी के मकसद को समझता है, उसका मामला बहुत स्ट्रेंज हो जाता है। इन असाबतु सर्रा, उस पर खुशी आती है, शकर फकाना खैर लहू, वो शुक्र करता है, अच्छा होता है उसके लिए। वो इन असाबतु दर्रा, अगर उस पर परेशानी आती है, सबर फकाना खैर लहू, सब्र करता है, वो भी अच्छा होता है उसके लिए। जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, आप मेरा इसमें जूम में डीपी देखिएगा, जो मैंने एक इमेज रखी है, वो भी देखिएगा, उसमें यही चीज का एक मैसेज दिया गया है। अगर खुशी आती है तो वो घमंड नहीं करता, एरोगेंट नहीं बनता, वो क्या करता है, शुक्र करता है, सजदे में गिर जाता है, छोटा बनता है। और जब परेशानी आती है तो मायूस नहीं हो जाता, डिप्रेशन में नहीं पड़ जाता, सब्र करता है, वो भी अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, उसकी बहुत बड़ी वजह है लाइफ आफ्टर डेथ। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो शख्स इस दुनिया को अपना जिंदगी का मकसद बनाएगा, उसे मायूस होना ही होना है जिंदगी से। ये जिंदगी से कोई शख्स ऐसा ना निकला है आज तक, ना निकलेगा, जो कहे कि भाई जिंदगी जी लिया ना, मतलब कि जिंदगी सब कुछ है, ये जिंदगी धोखा है, डिसेप्शन है। अच्छे अच्छे लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, नींद की गोलियां खा खा के सोना पड़ता है उनको, डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, कैसे हो गया, बोले भाई टेंशन की वजह से हो गया। अलग अलग डिजीजेस है उनके सामने, किसी अपने की मौत हो रही है, कुछ नहीं कर सकते, पैसा दुनिया का है उनके सामने। तो समझेंगे नहीं जब तक जिंदगी के मकसद को, तब तक ये चीज में कामयाब नहीं होने वाले। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक शख्स है जो ये बात को सचमुच माने, सचमुच दिल से माने कि दुनिया है ना ये थोड़ी सी है, ये बात समझ जाए कि उसके पास सामने एक जिंदगी है, करोड़ों साल की जिंदगी, अरबों 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 साल की जिंदगी, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ इयर्स की जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी, और ये जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान, ये जिंदगी का इम्तिहान करोड़ों साल का हो सकता था, तो आपको शायद समझ में आया था कि करोड़ों साल यहाँ जिए, करोड़ों साल इनाम में ना। लेकिन सही बात यह, अल्लाह ने हम पर रहम किया कि करोड़ों साल की जिंदगी और करोड़ों साल का इम्तिहान नहीं दिया, थोड़ी सी जिंदगी है, जितनी जिंदगी है वो भी कभी भी खत्म हो जाएगी, हमेशा रेडी रहना चाहिए, और वो जिंदगी बस अच्छे से गुजार लो, वहां पे एंजॉय करना बाद में, वहां पे तुम्हारे पास खुशी के वक्त है, रियल खुशी है वहां पर। तो मतलब ये बात अगर नहीं समझ में आए ना, तो ये जो पूरा टॉपिक है ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसका मेन जो दो फोकस पॉइंट्स है कि अपने अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो जाओ, जिंदगी पहचानो, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो जिंदगी है ना उसको पहचानो, सब चीज परस्पेक्टिव में बैठ जाएगी कि भाई यहाँ पे कोई आप परेशान हो रहा है, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं, परेशानी पे सब्र कर रहा है, गुनाह माफ हो रहे हैं, सब्र करने से नेकियां मिल रही है। मतलब आप सोचो कि एक शख्स है जो अगर परेशान नहीं होता तो हो सकता है वो एरोगेंट हो जाता, हो सकता है उसके गुनाह उसके बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते, उसे तराजू पे जब पहुंचता तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात को गौर करें कि ये बात पर गौर करें कि उसे अपने जिंदगी के मकसद को समझना है, अगर उसे रियल खुशी चाहिए। तो देखिए कैसा होता है
कि बहुत बड़ा पिक्चर है, बहुत बड़ा बड़ी फोटो है, और अगर फोटो को बहुत जूम करके देखो, एक छोटा सा पिक्सल दिखता है, तो समझ में नहीं आता है क्या है ये, नहीं समझ में आता है। लेकिन जब बाहर जूम आउट करके बड़ा पिक्चर देखो ना, तो समझ में आता है अच्छा ये फोटो है। सही बात यह है कि छोटे से पिक्सल को लोग गौर से देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे छोड़ दो, क्यों टेंशन तुम ले रहे हो, ईमान के साथ में छोड़ दो, जो हो रहा है गलत नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। बिजनेस में लॉस हो गया, अच्छा हुआ, जॉब चला गया, अच्छा हुआ, तुम्हें नहीं पता, ऊपर वाले को पता है। भाई हमारा मामला ऐसा है ना, एक जॉब छूट जाता है बोलते बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, दूसरा उससे अच्छा जॉब मिल गया बोले अच्छा हुआ पिछला जॉब छूट गया, आज हम बोलते हैं बुरा है, कल बोलते अच्छा हुआ। ऐसा है, आदमी बीमार पड़ गया, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत बुरा हो गया, शेख आपकी वीडियो और आवाज चली गई है। मैं म्यूट हो गया था एक्चुअली जी, तो आई एम बैक। जी मेरी आवाज आ रही है, आई होप जी आपकी आवाज आ रही है। जी तो हम यहाँ पे एक लाइफ आफ्टर डेथ, ये है असल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आता है कुल नफ्से ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वो नबलुकुम खलीफ़ना कह रहा है, मैं तुम्हें आजमाऊं शर और खैर से, मैं तुम्हें शर से भी आजमाऊंगा, खैर से भी आजमाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इलैना तुरजऊन, और तुम्हें मेरे तरफ ही वापस लौटना है, हमें अल्लाह के तरफ ही वापस लौटना है। ये दुनिया की जिंदगी क्या है, इम्तिहान है, एक टेस्ट है। कुरान में आता है सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 97, वमन मन अमिल सालिहन, जो कोई नेक काम करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो हुआ मोमिन, बशर्ते वो मोमिन है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ने कहा कि हम उसे एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दे देंगे, तय्यिबा दे देंगे, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے کہا جو شخص ایمان کے ساتھ اچھے کام کرے تو اسے حیاتن طیبہ مل جائے گی۔ سکولرز نے اس آیت کی کو پر کو سمجھایا ہے، آپ اس بار آیت کو آپ کی سکرین پر غور کریے، اس میں یہ جو الفاظ ہے کہ ہم اسے ایک بہت ہی پاک زندگی دے دیں گے، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے۔ تو سکولرز نے بتایا یہ جو پاک زندگی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور جو بہترین عمل کے مطابق جو بدلہ ملے گا وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب دنیا کے اندر بھی اسے اچھی زندگی مل جائے گی، پیسفل زندگی، سکون والی زندگی مل جائے گی، لیکن تب ملے گی جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ اگر اس نے اپنے بڑے پکچر کو دیکھا اور سمجھا کہ ہاں یہ بڑی زندگی، یہ زندگی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اس چیز کے پرسپیکٹو میں مجھے سمجھنا ہے۔ آپ بتاؤ क्या बेटर है, बताओ, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे और वहां करोड़ों करोड़ों साल तक तड़पते रहे, परेशान, बुरे हाल, सजा कि भाई तुमने ऐशो आराम में ऊपर वाले को भूल गए, तुमने फख्र किया, घमंड किया, तुमने बुरे काम किए, अब लो सजा, लो सजा, वहां करोड़ों साल तक तड़पे, वो बेटर है यहाँ पे 25-50-60-70-80 साल की जिंदगी अगर मुश्किल में भी गई तो क्या है। और ये बात याद रखिए, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्ना माल उसरी उसरा, कि यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ यकीनन आसानी है मेरे भाइयों बहनें।
जब मुश्किल आई है ना उसके साथ देखो, कुछ आसानी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप देखोगे तो दिखेगी ना। अगर आपने आंखें बंद कर रखे हो, अपने डिप्रेशन में पड़े हो, अपने मायूसी में शिकार हो गए हो, तो नहीं दिखने वाली। हर मुश्किल के साथ आसानी, ये बात को याद रखना है। और एक चीज करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से कम वालों की तरफ देखो, सही मुस्लिम की हदीस है। तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों का ज्यादा शुक्र अदा करोगे, अपने से कम वालों की तरफ देखो। लोग क्या है ना, अपने से ज्यादा वालों की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, इतना बड़ा जॉब है, इतना पैसे है, उसके पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है। अपने से कम वालों की तरफ देखो तो अल्लाह की नेमतों का और शुक्र अदा करोगे। मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, ये कायदा अगर आपने जिंदगी में बना लिया ना कि मैं देखूं कि किस जिसके पास मुझसे कम है मैं उसकी तरफ देखूंगा, फिर क्या होगा आपको पता है? आपको मैं बताता हूं। कोई शख्स बहुत डिप्रेस है, सोच रहा है मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास शक्ल नहीं है, मेरी स्टाइल में प्रॉब्लम है, मेरे उसमें प्रॉब्लम है, अपने से कम वाले की तरफ देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि अरे मेरे पास तो ये चीज तो है ना, मेरे पास फला प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और आपको पता है हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एक शख्स दुनिया का सबसे परेशान इंसान है, सबसे परेशान, उस शख्स के पास भी इतना कुछ है, इतना कुछ है कि अगर वो गिनती करना चाहे तो गिन नहीं सकता। दुनिया का सबसे परेशान इंसान, इतने एहसान है उस पर अब भी, जो अगर नहीं होते तो जीता वो और परेशान होकर जीता, लेकिन वो नहीं है। उस पर करोड़ों करोड़ों एहसान है। इंसान ना शुक्रे होते हैं, देखते ही नहीं है। 364 दिन खाना मिला ये नहीं देखेंगे, एक दिन नहीं मिला बोलेंगे नहीं खाना मिला। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आज तक तो मिल रहा था ना। सपोज लॉकडाउन में आदमी, अब वो लॉकडाउन में बिजनेस नहीं कर पा रहा है, बोले बिजनेस नहीं कर पा रहा, अरे ये क्यों नहीं सोच रहे थे? आज तक तो कर रहे थे ना, आज तक तो प्रॉब्लम नहीं था, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर शख्स बीमार पड़ गया तो बोला मैं बीमार पड़ गया, अरे ये क्यों नहीं देख रहे? आज तक तुम बीमार नहीं थे, ये क्यों नहीं देख रहे हो कि इतनी सारी चीजें थी? और उसके अलावा 500 और चीजें हैं जो तुम पे नहीं आई है, करोड़ों करोड़ों चीजें हैं जो तुम्हारे पास आज भी है, वो क्यों नहीं देख रहे हो? अगर वो देख लेना इंसान तो डिप्रेस कैसे होगा? वो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ है मेरे पास। और एक चीज, अगला पॉइंट, आप परेशान है ना, सामना करो। क्या परेशानी है? लाओ सामने, टेबल पे लाओ, कागज लो, पेन लो, लिखो। अगर कोई समझदार अच्छा इंसान है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर सकता है इसमें, उसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप। लिखो क्या प्रॉब्लम है मेरा, एक प्रॉब्लम ये है, दूसरा प्रॉब्लम ये है। कई बार क्या होता है ना, जब सोचते हैं ना ऐसा लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम है, जब लिखते हैं ना मालूम पड़ता है मेरे तो तीन ही प्रॉब्लम है, चौथा क्लिक ही नहीं हो रहा है, चौथा कौन सा प्रॉब्लम है, ये तीन ही लग रहे हैं मेरे प्रॉब्लम है। बोले तीन प्रॉब्लम है, फिर देखो कि क्या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, सामना करो। ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, या तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो या तो प्रॉब्लम को अवॉइड करो, मतलब या तो प्रॉब्लम का हल निकालो या तो उससे बचो। कुरान में दिया है आरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करो। सपोज कोई शख्स है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जहालत का तुम सामना नहीं कर सकते, जहालत को छोड़ो, अवॉइड कर दो। या तो सामना करो या तो अवॉइड करो, समझदारी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, सामना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला कितना अजीब होता है, हर हाल में उसके लिए तो खैर ही है, और ये किसी के साथ नहीं, सिर्फ मोमिन के साथ है। अगर उस पर परेशानी आती है तो सब्र करता है, अच्छा होता है उसके लिए। अब सामना करो, क्या है सामना करो, क्या प्रॉब्लम है लाओ सामने, एक बार डिफीट करो उसे, अल्लाह से मदद मांगो। तुम नहीं कर सकते कुछ, लेकिन अल्लाह की मदद से के साथ तुम पावरफुल हो। आप और मैं कमजोर है, लेकिन अल्लाह की मदद है ना तो हम पावरफुल हैं। हमें टेंशन भी नहीं लेना है, वो ही लेगा, उसके ऊपर छोड़ दिए, और उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। उस पर छोड़ते हैं तो उसे पसंद है ये। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से तो मोहब्बत करता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात की तरफ ध्यान दीजिए, जो प्रॉब्लम है उसे सामने लाइए, फेस करिए, और उम्मीद मत हारना। याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है सिवाय दौलीन के, जो गुमराह हो गए। सूरह हिज्र, सूरह 15 आयत नंबर 56। कौन है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है सिवाय वो लोगों के जो अल्लाह का इनकार करते हैं, सूरह यूसुफ में है। तो हम अगर अल्लाह का इनकार नहीं करते हैं तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों को बताओ कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, कोई चीज उसके लिए मुश्किल नहीं है। हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, हमें रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए रास्ता है। आप सोच रहे हो, आप दुआ करते हो अल्लाह से, अल्लाह मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम है, आपको अल्लाह को रास्ता बताना पड़ेगा, अल्लाह ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अल्लाह को रास्ता बताने की जरूरत है, क्या लगता है हमें अल्लाह को रास्ता बताना है, अल्लाह ऐसा सॉल्व करना मेरा प्रॉब्लम? नहीं, अल्लाह को जो रास्ता आपको पता है ना, उसके अलावा जो आपको पता नहीं है ना, वहां से अल्लाह रास्ता निकालने पे कादिर है ना। कुरान की आयत सूरह तलाक की, वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला तहतसिब, अल्लाह वहां से रिस्क देने पे कादिर है,
वहां से रिस्क दे सकता है जहां से तुम सोच नहीं सकते। मैं सोचता हूँ मेरा रिस्क यहाँ से आएगा, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो भी रिस्क है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ से निकालने पे कादिर आपको पता नहीं। आप मांगो तो सही, यकीन के साथ मांगो, उस पे छोड़ो, आप अपनी ड्यूटी करो, सामना करो, हिम्मत रखो, जज्बा रखो, ताकत रखो, हारो मत, लेकिन टेंशन मत लो, अल्लाह पे छोड़ दो। और लास्ट बात, लास्ट दो तीन बातें उसमें एक ये है कि अपने आप को हराओ मत भाई, अपने आप के साथ थोड़ा सा हमदर्दी रखो, अपने लिए थोड़ी रहमत रखो अपने लिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग अपने ऊपर बहुत हार्ड बन जाते हैं, अपने लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, अपने आप को हराने में किसी और की जरूरत नहीं होती, खुद ही अपने आप को हरा देते हैं। जब ऐसी बातें होती है ना, तो फिर हारना बहुत वो हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि आप क्या हो, कुछ नहीं हो, लेकिन आपका मालिक बहुत बड़ा है, आपका मालिक मेहरबान है, आपका मालिक आपको नहीं छोड़ता है, आप मत छोड़िए उसे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन्ना शैअन मिनल मारूफ, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, तुम्हारे अंदर कोई एक अच्छी चीज है, कोई एक अच्छी नेकी कर रहे हो उसको हकीर मत समझो, चाहे अपने भाई को मुस्कुरा के तुम मिल रहे हो, कोई भी नेकी को हकीर मत समझो। क्या होता है कि लोग अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं और वो सख्ती की वजह से वो हार जाते हैं। देखिए, याद रखिए, इसमें दो चीज में फर्क करना होगा। अगर आपने कोई गुनाह किया है, एहसास लाओ दिल में, लेकिन ये मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, अभी मैं अभी गुनाह की काम करूंगा। शैतान चाहता है आप ऐसा ही बोलो, शैतान चाहता है कि आप मायूस हो जाओ, शैतान चाहता है कि आप अपने साथ ऐसी सख्ती करो कि भाई तुम कम कहां सुधरोगे, तुम तो हारते ही रहोगे, यू आर अ लूजर। अपने आप को ऐसी अल्फाज मत कहो, क्यों मालूम है? क्योंकि आप हो सकता है कमजोर हो, लेकिन आपका मालिक तो बहुत बड़ा है ना, वो तो वहां से रास्ता निकालेगा आपके लिए जहां से आप सोच नहीं सकते। आपने उसके ऊपर छोड़ा है, उसने कहा मुझ पर छोड़ो, फहुआ हसबू, अल्लाह ने कहा मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, आप सही रास्ता लो, अल्लाह पे छोड़ो। तो बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने ऊपर ऐसे मत बनो, अपने साथ ऐसे सख्त मत रहो। सख्ती में दो चीजों में फर्क करना है। एक होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अल्लाह माफ करेगा, गुनाह का रास्ता करते हैं अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला अजाब भी देने वाला है। याद रखो, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, अल्लाह कहता है मेरे बारे में मेरे बंदों को बताओ कि मैं तो माफ करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। वाना अजाब ही हुआ अजाबुन अलीम, मेरा अजाब दर्दनाक अजाब भी है। अल्लाह का अजाब भी दर्दनाक अजाब है, वो शदीदुल इकाब भी है, वो सख्त सजा भी देने वाला है। लेकिन किसे किसे? जो वो सजा के लायक है, वो जजा बिमा कानू या मलून, जो कर रहे थे उसका बदला होता है वो। अल्लाह ताला मासूम लोगों को सजा नहीं देता, किसी पे जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाहा यज़लिमु मिथक़ाला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता किसी पे जुल्म नहीं करता। आपके साथ आपका रब है और वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसके बारे में गलत गुमान नहीं करना, अगर गलत चीज उसके बारे में सोचोगे तो बच के कहीं जा नहीं सकते, उसके सिवा कोई और मालिक है नहीं आपका, एक ही मालिक है आसमान और जमीन का। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना आज, बहुत से लोगों को ये बातें मालूम है। आप जितने लोग सुन रहे हैं ना, अगर आप इस्लामिक लेक्चर सुनते हैं ना, तो मैंने जो बातें कही आपको हो सकता है ये सब बातें मालूम है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ मालूम होना काफी नहीं है, याद रखना जरूरी है। जिंदगी का हर लम्हा ये याद रखना जरूरी है, अपनी जिंदगी इस बात को याद रखते हुए गुजारना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मालूम पड़ी थी, हाँ हाँ मैंने सुना, अरे सुने हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस बात को याद रखते हो कि नहीं याद रखते हो, ये असल बात। एक शख्स है उसको मालूम है, हाँ जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी इबादत के लिए बनाया, जिंदगी एक इम्तिहान है, हाँ मालूम है ना। इंफॉर्मेशन नहीं, ये याद रखना चाहिए, हर लम्हा याद रखना चाहिए। इसी वजह से इस्लाम ने सिखाया कि नमाज कायम करो दिन में 5 बार, ताकि 5 बार तुम्हारे लिए ये रिमाइंडर हो जाए। अकीम सलाह ली दिक्री, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, नमाज कायम करो अल्लाह की याद के लिए कायम करो। नमाज में मकसद ये है, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये चीज को नहीं भूलना है, भूल गए ना नुकसान आपका है मेरा है, जिंदगी तो जीना ही पड़ेगा। बड़े सेलिब्रिटी हो या आप कमजोर माइग्रेंट हो जो बेघर होके अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि तकलीफ में है, लेकिन हकीकत यह है जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ही पड़ेगी, परेशान होके जियो या खुश होके जियो, जिंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जिंदगी तभी खत्म होने वाली जब ऊपर वाली की मर्जी हुई, चाहे खुदकुशी की कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मरने वाले जब तक उसकी मर्जी नहीं हुई, और मर्जी हुई तभी मरोगे, और मर्जी हुई तो खुदकुशी के बगैर भी मर जाओगे। तो सही बात यह है कि ये सारी चीजों को याद रखे, हमें चाहिए कि हम इन बातों को याद रखते हुए जिंदगी गुजारें। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक याद दहानी है आप सबके लिए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने जिंदगी के मकसद को याद रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आखिर में मैं खत्म करता हूँ एक आयत से, जहाँ पे अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों से कहा आखिरत में
या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना, ऐ मुतमईन नफ्स, ऐ वो शख्स जो इत्मीनान में है, सुकून में है। अल्लाह ताला मोमिनों को खिताब कर रहा है, मोमिन बंदों को इस तरह से खिताब करेगा कि नफ्सुल मुतमईना इर्जी इला रब्बिकी राधियतन मर्दिया, आ जाओ अपने रब की तरफ, तुम उससे खुश हो, वो भी तुमसे राजी है। वो सुनाई दे तो असल कामयाबी है। और गौर करिए अल्फाज पर, ये नहीं कहा जा रहा है ए परेशान शख्स, ये कहा जा रहा है ए मुतमईन शख्स। इत्मीनान वहीं पर है, आ जाओ दीन पर, उसी पे कायम रहो, उसी पे जियो, उसी पे खात्मा पाओ। अल्लाह हम सबको उसी दीन पर, इस्लाम दीन पर, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर, उसके साथ के साथ, अल्लाह के साथ के साथ इस जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे और आखिरत की कामयाबी पाने वालों में से बनने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। ब्रदर अबू अब्दुल्ला ज़ैद खालिद पटेल हाफिज़हुल्लाह इंडिया से ऑनलाइन आपसे मुखातिब थे। आपका मौजू था खुदकुशी से माशरे को कैसे बचाया जाए। आप माशाल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ तस्वीरों से, पिक्चर से आपके साथ मुखातिब थे, जिन्होंने हमेशा माशाल्लाह इनका तरीका ये है कि ये वर्ल्ड वाइज सर्च करते हैं, उसके बाद उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को भी अपनी तकरीर का हिस्सा बनाते हैं। तो हम शेख ज़ैद पटेल हाफिज़हुल्लाह के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और आपको और आपके अहलो अयाल को और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और अल्लाह सुभानहु ताला इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। मैं फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर रहमान हाफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उलमा का शुक्रिया अदा करें। फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर रहमान हाफिज़हुल्लाह जो हमारे जद्दा दावा सेंटर हय्य सलामा के उर्दू सेक्शन के हेड हैं और मुदर्रिस और दाई हैं। जनाब फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर रहमान हाफिज़हुल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الله عز وجل كفرمان علي شان ہے قرآن مجید میں فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور کفران نعمت سے بچو। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिजी की एक रिवायत में फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्ला। इस हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दूसरी रिवायत में जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा हैं वो कहते हैं कि قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله। पहली रिवायत का मानना है जिसने अल्लाह का शुक्र जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। दूसरी रिवायत का मतलब है जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। चुनांचे इस कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हम जद्दा दावा सेंटर हय्य सलामा मम्लकत सऊदी अरब की जानिब से सबसे पहले हमारे शोला बयान खतीब
और फादिल मुकर्रर फजीलत शेख हाफिज मोहम्मद इब्राहिम उमरी मदनी हफिज़ुल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना जो मौजू था नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल बहुत खूबसूरती के साथ बड़े हुस्न उसलूब के साथ निभाया। अल्लाह आपकी इन कावशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जब भी हम आपको इस तरह के दावती प्रोग्रामों में जहमत देंगे इंशाल्लाह बगैर किसी चुनौचारा के कबूल फरमाएंगे। आपने जब मैंने उनको इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया तो बड़ी खुशी का इजहार किया और बड़ी अपनाइयत का एहसास हुआ मुझे। ये मेरे करीब रिश्तेदार भी हैं। अल्लाह आपकी इन काविशों को इन कोशिशों को इन मेहनतों को उस दिन के लिए जखीरा फरमाए जिस दिन न औलाद काम आती है न माल काम आता है। तो आखिरत के दिन के लिए अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को जखीरा करके महफूज कर दे। और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही साथ में अजीज़ुल क़द्र ब्रदर जैद खालिद पटेल हफिज़ुल्लाह का भी मशकूर हूँ कि आज एक माजरत हमें करनी थी पहले दूसरे पहले प्रोग्राम के बाद हुआ है कि जोहर के जुमा की नमाज के बाद जुमा जोहर की नमाज हमने जद्दा में जुमा तो नहीं पढ़ी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है मस्जिदें बंद हैं। तो जुमा के नमाज जोहर की नमाज के बाद अचानक मैंने देखा कि मुझे मैसेज आया शेख अब्दुल हसीब बिन अब्दुल अलीम उमरी मदनी का। उन्होंने कुछ नागुजीर वजूहत की बिना पर शदीद बीमारी की वजह से कहा कि सख्त बुखार में मुब्तला हूँ मैं शायद आज शाम में हाजिर नहीं हो पाऊंगा। तो हमने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं और अब भी आप सब की मौजूदगी में हम दुआ कर रहे हैं। आप लोग सब आमीन कहिए। अल्लाह मौसू को जल्द से जल्द शिफा या फरमाए सेहत से नवाजे और उन्होंने वादा भी किया है कि जैसे वो सेहतयाब हो जाएंगे फिर अगले किसी प्रोग्राम में हमारे साथ इंशाल्लाह शरीक रहेंगे। तो बहरकर अल्लाह आप दोनों भाइयों को इस खिदमत का बेहतरीन सिला अता फरमाए आपकी इन कोशिशों को कबूलियत से नवाजे। फिर हम उन तमाम अस्हाबुल फदीला उलमाए किराम और दाईन इस्लाम हजरात के भी बेहद शुक्र और ममनून है जिन्होंने हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजा और जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस में सुन भी रहे थे मौजूद भी हैं। और उसके अलावा हम उन तमाम दीनी भाइयों के और इस्लामी माँ और बहनों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तलबे इल्मे दीन खिदमत दीन दावत दीन इल्मो अमल और ईमान यकीन में इजाफे की गरज से जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा सऊदी अरब के इस मतवादे कॉन्फ्रेंस में अपनी ऑनलाइन हाजिरी लिखवाकर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाए। फिर मैं कहता हूँ कि हम आप तमाम भाई बहनों का खुलूस दिल से मोहब्बत और अकीदत के जज्बात के साथ दिल की बेपनाह गहराइयों के साथ शुक्र अदा करते हुए सआदतमंदी महसूस कर रहे हैं और दावा सेंटर हय्या सलामा के उन तमाम कारकुन भाई और बहनों का भी मैं दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने इस दीनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना हर मुमकिन तआवुन पेश किया। खुसूसन हमारे मुखलिस और खैरअंदेश ब्रदर अजीज़ुल क़द्र अबू बिलाल खालिद अमीर खालिद हफिज़हुल्लाह इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए रात दिन एक किया है और उनके बड़े फर्जंद बिलाल मुनीर खालिद मत्तअहुम अल्लाह बिस्सेहत वल आफिया अल्लाह इनको सेहत आफिया से नवाजे और आमीन इनकी खिदमत ले। इन्होंने बहुत खिदमत की है अदावा सेंटर की और लगातार करते जा रहे हैं। हमारे एक और मुखलिस और खैरअंदेश साथी हैं जो एक जिंदी मजहूल की तरह काम कर रहे हैं अल्लाह उनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए अबू जमील अब्दुल अलीम हफिज़हुल्लाह। ये भी जब भी मैंने उनको किसी काम के लिए बुलाया है तो फौरन अपने सारे काम काज छोड़ के मेरे दावती दीन की खिदमत दीन के लिए हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह आप सब की खिदमतों को कबूल फरमाए। आप सब के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ वजज़ाकुमुल्लाहु जमीअन कुल्ल खैर।
واحسن الله اليكم ورفع الله شانكم واعز الله مقامكم وجعل الله في موازين حسناتكم ووفقكم الله لكل خير ولما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ऐलान करते हैं सुभानक اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ऐलान के साथ साथ एक और ऐलान ये भी है हमारा कि अगले जुमा और सैटरडे को हमारे साथ बड़े बड़े उलमा किराम हफ्तावारी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग ऐलान आप लोगों तक ऐलान पहुंच जाएगा। कल के हमारे प्रोग्राम में भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आप उनसे भी इस्तेफादा फरमाएं। कल भी हमारा यही वक्त होगा सऊदी अरब के हिसाब से मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह अजीज शुरू होगा और ठीक इसी वक्त खत्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह अजीज। अल्लाह सबको खुश रखे, आप सबके खिदमतों को कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए, आप सबको सेहत आफियत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपका और मेरा अल्लाह ताला दीन और ईमान महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करते हैं क्या कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के मुंतज़मीन दुनिया भर से चोटी के उलमा हक से राबता करके आप तक दीन हक का इलम और नूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते यानी 26 और 27 जून को और उससे अगले हफ्ते 3 और 4 जुलाई को हम तीसरी और चौथी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल कर चुके हैं, जिनके शेड्यूल का 1-2 रोज में इंशाल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे दावा सेंटर को ज्वाइन करने के लिए हमारे ग्रुप को क्लिक करें ताकि बार वक्त आप तक क्रूज का शेड्यूल पहुंच सके। इकराम के ये जो लेक्चर आप इन कॉन्फ्रेंसों में सुनते आ रहे हैं और सुन चुके हैं और सुनेंगे, वो सब यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड एक आध दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएंगे। अगर जिन साथियों को इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का इत्तेफाक नहीं हुआ, किसी मजबूरी की वजह से नहीं हो सके या नहीं सुन सके, तो हमारे जद्दा दावा सेंटर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर वो हमारे उलमा इकराम को सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर टाइम में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। शेख हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मदनी उमरी मदनी अपना माइक ऑन करें। जी शेख अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन हाजिरी का और आपके दीदार के शरफ हमें नसीब हुए। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को, आपके अहल खानदान को इज्जत बख्शे, सेहत आफिस से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको इखलास के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक बख्शे। ढेर सारी दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जरूर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कुछ कहने और कुछ सुनने का। आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, आपके दावा सेंटर का, हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह खैर। आमीन। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। आज की इस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने का हम ऐलान करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहमदिह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अच्छा, जो हमारे दावा सेंटर के
जो हमारे दावा सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो स्क्रीन देख सकते हैं जीरो, और अगर व्हाट्सएप का नंबर डायरेक्ट चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट नंबर बोल रहा हूँ 050-636-7023 050-636-7023 हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं कोड के साथ +966-506-367023। फिर हमारे दूसरा नंबर है दावा सेंटर के लिए +966-507-558504 +966-507-558804। फिर हमारा आखिरी नंबर है +966-506-128503। हमारे दावा सेंटर का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल सब पर सबका नाम है जद्दा दावा सेंटर। आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह वल अजीज आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक्स इंशाल्लाह आपको हमारे व्हाट्सएप का नया ग्रुप जो हमने बनाया गया है उसमें हम आपको शेयर कर देंगे। आज का दरस जो था वो भी लाइव था, फेसबुक पर भी, फेसबुक पर लाइव था और यूट्यूब पर भी इंशाल्लाह कल या आइंदा दिनों में डाल दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। तो जो लोग नंबर नोट कर चुके हैं वो लीव कर लें, और जो नोट करना चाह रहे हैं वो अभी कर लें, एक मिनट का वक्त दिया जाता है आपको, तो उसके बाद मीटिंग एंड कर दी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। जी, जो जिन्होंने नाम नोट कर लिया है और व्हाट्सएप के ग्रुप के लिए लिख चुके हैं तो चलें सही, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह कल के दरस में मिलेंगे इसी लिंक से जो आपको आज मिला है, जो भी पास, जो आपको आईडी मिली है जूम आईडी, इसी लिंक से हम आपको इंशाल्लाह कल इसी पेज पर जूम के इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।